नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ। और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियाँ हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊँगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में हैं, स्वराशि में हैं या उच्च राशि में हैं या अपने मित्र की राशि में हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्गुणों तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60-70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूँ इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए बात करती हूँ आज की अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु बृहस्पति का ये परिभ्रमण, उनका राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर 2021 को रात के 11:17 पर होने वाला है, क्या परिणाम लेकर आया है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए समय थोड़ा सा औसत देख रही हूँ मैं, थोड़ा सा मिश्रित फल लेकर आएंगे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव और प्रथम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, गोचर करेंगे 20 नवंबर से। तो देखिए, अगर लग्नेश आपके मीन राशि वाले लोगों के लिए लग्नेश हैं गुरु बृहस्पति और ट्रांजिट में जब लग्नेश द्वादश भाव में आ जाते हैं तो जातक के लिए थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ा देते हैं। कोई भी लग्नेश हो, अगर वो 12th हाउस में आता है ट्रांजिट के दौरान, तो उस दौरान आप थोड़ी सी अपने लाइफ में इन जनरल संघर्ष को बढ़ते हुए पा सकते हैं, परेशानियों को बढ़ते हुए पा सकते हैं, इस तरह की स्थिति से दो चार हो सकते हैं। दवाओं में, हॉस्पिटल्स में खर्च ना हो, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसके लिए जैसा मैंने पिछली कुछ राशियों में कहा कि आप हॉस्पिटल्स और मेडिकल रिसर्च एसोसिएशंस को थोड़े से डोनेशन आप ज़रूर दें। पैसों को डोनेट करें तो आपकी जो ये ग्रहीय अवस्था होती है वो कट जाती है कि आपको हॉस्पिटल में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, आपके यहाँ से लग्नेश द्वादश भाव में आए हैं तो ये भी दिखाते हैं कि आपके नौकरी में अस्थायित्व अस्थिरता रहेगी। आप जॉब को इस समय बिल्कुल चेंज मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, क्योंकि इस समय का लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, आपकी परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। तो द्वादश भाव में जब लग्नेश आते हैं तो हेल्थ के साथ साथ जो एक इशू आती है वो आपके आय में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ पर आप थोड़े से सजग रहिएगा। यहाँ से देखिए, मीन राशि की अगर मैं बात करूँ, मीन लग्न की बात करूँ, तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव से उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में पंचम दृष्टि पड़ने से आपके माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बेटर हो जाएगा। पहले से आप अगर भवन भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कॉल ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं।
इसके अलावा देखिए, ये आपके चतुर्थ भाव आपके इन जनरल सुखों का भी भाव होता है, तो गुरु बृहस्पति आपको यहाँ से सुख में जरूर बढ़ोतरी करेंगे। आप इन जनरल आप कंफर्टेबल अपने होम में आप फील करेंगे। और यहाँ उनकी सप्तम दृष्टि की बात करूँ तो ये षष्ठम भाव में पड़ रहा है, षष्ठम भाव में आपके रोग रिपु ऋण को वो समाप्त करने आ रहे हैं। यहाँ से देखिए सिंह राशि आती है आपके षष्ठम भाव में, और गुरु और सूर्य बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करते हैं, एक राजा हैं एक गुरु हैं, तो दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। सिक्स हाउस में गुरु की एस्पेक्ट है, तो ये भी दिखाती है, जो ये भी दिखाता है कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखा है तो वहाँ पर भी आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके लिए सिक्स हाउस में कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबित था तो वहाँ पर भी आपकी सफलता मैं निश्चित देख रही हूँ। लेकिन इसके अलावा एक ये बात है जो आपको इन जनरल थोड़ी सी बाधाएं और परेशानियाँ जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, चूँकि आपके लग्नेश द्वादश में जा रहे हैं, तो हालांकि उनकी अमृत दृष्टियाँ हैं और जिस भाव में पड़ रही हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें रुक रुक कर होंगी, बहुत फ्लो में नहीं होंगी, बहुत स्मूथली नहीं होंगी। चूँकि अब मैं देख रही हूँ कि आपको हर भाव से जुड़ी हुई कुछ इनिशियली परेशानी आएगी, संघर्ष होगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो ये कभी कभी इतना इरिटेटिंग हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही, मैं कुछ भी पहले करने जाता हूँ, मैं कुछ भी बाद में करने जाता हूँ और संघर्ष और परेशानियाँ पहले से खड़ी मिलती हैं, तो इस तरह की भावनाएँ आ सकती हैं आपको। और सिमिलरली गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव भी हमारे वैसे ही त्रिक भाव में आता है, दो स्थान कहते हैं षष्टम अष्टम और द्वादश को, तो और यहीं पे आपके द्वादश में लग्नेश आ गए हैं, षष्टम को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, तो मैं कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगी, लेकिन अष्टम भाव से संबंधित आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कोई कड़वाहट चल रही थी तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी बातचीत में आप बिल्कुल संयम बरतिएगा, अपने जीवन साथी को अहमियत दीजिए, उन्हें प्रेम और स्नेह दीजिए। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कोर्ट कचहरी के मामले में यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी स्थिति है, यहाँ पे भी आप विजयी होते हुए दिख रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी जो रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप सी रूट से फॉरेन लैंड में ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई क्रूज़ से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ये बात है, बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। आप समुद्री यात्राएँ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस गोचर का आप भरपूर फल ले पाएंगे। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं, तो देखिए इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज देती हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है, तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज के थर्सडेज आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं टीचर्स प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए, उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए, आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए, मदिरा पान और मांसाहार से परहेज रखिए, एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकेंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है,
झूठ बोलने से परहेज कीजिए, अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।